आपका वीडियो देखे हैं जेपी भैया, आप बोल रहे हैं भाभी से शुरू हुआ है। बुखार चढ़ेगा तो उतरेगा ना भाई, नहीं उतरेगा तो मन नहीं जाएगा इंसान। रहा सवाल विष्णु मालती का और भी लोगों का, तो इन्हीं से हमको पता चला है, सब लोग मिल करके उसी में पनीर फाड़ेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कौन कहता हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है? पहले तलवारें और भालों और बंदूकों से लड़ाई होती थी, आज सोशल मीडिया पे बस एक दूसरे वीडियो बना करके लड़ रहे हैं। सोचिए, बहुत बड़ा औजार है दोस्तों सोशल मीडिया। यह एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि कौन कहता है हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है, पहले ऑफलाइन लड़ाई होती थी अब ऑनलाइन। और यह लड़ाई जैसे विश्व युद्ध होता है उस तरह से हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है। तो आप लोग ऐसा ना करिए। देखिए, हर पिछले वीडियो हमने ही कहा कि ऐसा ना करिए। क्या गलती थी किसकी, वो तो बातचीत हो गई। गोरेपुरी भाभी भी कुछ बोलिए। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, हम आपका वीडियो देखे हैं जेपी भैया, आप बोल रहे हैं कि भाभी से शुरू हुआ है, तो जेपी भैया बिल्कुल ठीक कहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कहे कि मेरे से शुरू हुआ है। मैं विरोध भी हूं, देखिए विरोध तो आज भी हम अश्लील पे करते हैं, जो कि पिछले भी वीडियो में बोले हैं। अश्लील वीडियो बिल्कुल मत बनाइए। मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं यहाँ काम करने के लिए, तो पहले हम जानते हैं क्या किस तरह से वीडियो बनाते हैं। तो अश्लील का तो बिल्कुल हम सपोर्ट नहीं करते। गोरेपुरी भाभी, आप भी नहीं सपोर्ट की, अच्छी बात है। हालांकि कोई उनको सपोर्ट नहीं करता है, जहाँ तक हम जानते हैं विष्णु भी उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, फ़ोन उन्होंने किया, बातचीत हुई होगी, उनके बच्चे की बात थी इसलिए वो लोग चले गए। ठीक है, अच्छी बात है, गए, वीडियो ही बनाए था, जाना भी चाहिए था। आपका भी बुलाया आया रहा होगा तो आपको भी जाना चाहिए था, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब हम लोग नहीं समझाएंगे, बड़े लोग नहीं समझाएंगे, तो मान लीजिए गलती कर रहा सुधरेगा कैसे? आप वहाँ जाती, उनको समझाती, ऐसा नहीं करना चाहिए बाबू, हो सकता है वो समझ जाता बंदा। और सभी लोग कहीं ना कहीं उनको समझाते ही हैं। हम खुद जानते हैं कि विष्णु भी उनको कई बार समझाए कि ऐसे वीडियो मत बनाइए, बीच में बंद भी किए थे जहां तक हमको पता है, कुछ दिन बंद किए वीडियो बनाना, लेकिन उनका वीडियो चल नहीं रहा था, उनकी मजबूरी बन गई। तो उनकी मजबूरी हो गई, फिर बनाने लगे। गुड़िया गोरखपुरी, लक्ष्मण जी, आप भी वीडियो देख रहे हैं तो अब से ध्यान दीजिए इस बात को। चलिए, जो गलतियां हो गई, देखिए गलती सबसे होता है, लेकिन जब गलती पता चल जाए तब तो सुधार कर लेना चाहिए। यदि आज देखिए कहीं ना कहीं आपको ले करके इतना झगड़ा हो रहा है, तो ऐसा मत करिए, झगड़े को शांत करने की कोशिश करिए। झगड़ा हो रहा कि एकदम से एक एक घंटे पे वीडियो आ रहा है, इधर से बाण चल रहा है तो उधर से बाण आ रहा है, बस इधर से ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो इधर से कोई जैसे, और आ रहा है। जैसे महाभारत में चलती थी लड़ाई, इसी तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है। बहुत अफसोस हो रहा है कि इस पे सब सोशल मीडिया के स्टार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि हम लोग ऐसा करेंगे तो और लोग क्या करेंगे। सोचिए, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, आपस में लड़ते रहे, मिलने के बाद खुशी मनाते, केक काटते, मिठाई खाते, कितना अच्छा लगता है देख करके। और बहुत लोग ऐसे, हमारे एक गुरु जी भी हैं जिनकी प्रेरणा से हम वीडियो बनाते हैं, शुभ जर्नी करके चैनल है, एक बार आप लोग देखिएगा उस चैनल को, एक बार आप लोग देखेंगे ना तो समझ में आएगा कि ब्लॉग किसको कहते हैं। ब्लॉगर बहुत सारे ब्लॉगर हैं इंडिया में, समझिए कि फर्स्ट नंबर पे ब्लॉग ही चलता है, ब्लॉग यूट्यूब पे सबसे ज्यादा व्यूअर ब्लॉग सही। सोचिए कि ब्लॉग उस कैटेगरी का भी हो सकता है और इस कैटेगरी का भी हो सकता है। अब दोनों में से आपको चूज करना कि आपको किस तरह का ब्लॉग बनाना है। वीडियो हर वीडियो चलेगा, बस कंटेंट होना चाहिए, स्टोरी होनी चाहिए। वीडियो का मतलब होता है स्टोरी, किसी को समझाने की जरूरत नहीं, हर कोई बुद्धिमान है, हर कोई समझदार है। रहा सवाल विष्णु मालती का और भी लोगों का, तो हम सबसे मिल चुके हैं, अब विष्णु से भी मुलाकात हुआ है और अभी हम लोग जाने वाले हैं विष्णु के घर में, एक डेढ़ घंटे में निकलेंगे, हो सकता है दो तीन घंटे बाद वीडियो कोई और अपलोड कर दें, अपडेट करें, तो विष्णु को भी समझाएंगे, मालती को भी समझाएंगे कि ऐसा ना करें। झगड़े में कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, मिल के रहिए। अदर स्टेट के यूट्यूबरों को देखिए, झारखंड में देखिए, बिहार में देखिए, इस तरह मिल के रहते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं झारखंड यूपी से आगे बढ़ रहा है यूट्यूबरों की। अभी देखिए एक कौन सा ब्लॉग है, रिया ब्लॉग, विजय रिया ब्लॉग देखिए, एक साल के अंदर क्या कर दिया, बहुत आगे। वो अकेले ही अपना ही कंटेंट बना करके लिए कुछ भी बनाते हैं, उससे मतलब अश्लील नहीं बनाते हैं, साफ सुथरा बनाते हैं, बहुत अच्छा वीडियो रहता है। और अच्छे लोग उनसे मिलने भी जाते हैं, 10 लोगों के बीच में वो कह भी सकते हैं हम यूट्यूबर है, लेकिन आप लोग कैसे कहेंगे बताइए? आपस में झगड़ के कुछ नहीं, कहीं पार्टी में जाएंगे तो हर कोई देखा हुआ है, ऐसे वीडियो कोई बना रहा है, कोई ऐसे वीडियो बना रहा है, हर बंदा देखा हुआ है, तो जब देखेगा आपको सामने से देखेगा तो क्या फील करेगा? अभी मान लीजिए इंडिया लेवल के क्रिएटर अगर इकट्ठा होते हैं, उस बीच में आप लोग रहिएगा और वीडियो सब देखे रहेंगे तो क्या सोचेंगे?
कि ऐसा वीडियो बनाते हैं। सारी चीज को आप लोग सोच करके काम करिए। देखिए रहा सवाल अश्लील का, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से अश्लील बंद नहीं होगा, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं वीडियो, कोई एकाधे वीडियो होगा लेकिन हर कोई वीडियो बनाया है। भाभी आप भी कई वीडियो बनाई हैं, गंदा वीडियो बनाई, अच्छा नहीं लगता देख करके। फिलहाल चलिए वो कोई बात नहीं है, बना दी है ठीक है, लेकिन आपको भी नहीं बनाना चाहिए था। यदि आप बनाए भी तो किसी के ऊपर उंगली मत उठाइए, उंगली भी नहीं उठाना चाहिए। कौन नहीं वीडियो बनाया है, शॉर्ट वीडियो जब से आया तो हर तरह के लोग शॉर्ट मारते रहते हैं। आई थी और वायरल कम से कम 20 शॉर्ट, 20 से 150 अश्लील नहीं रहता। इन्हीं से हमको पता चला है कि YouTube पे 120 वीडियो के बाद YouTube ब्लॉक कर देता है। अब सोचिए 120 वीडियो है, शॉर्ट वीडियो के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, शॉर्ट वीडियो जो है हम उसके कीड़ा है दोस्त। तो शॉर्ट वीडियो जब से आया तब से सब लोग सब्सक्राइबर इकट्ठा कर लिए। देखिए सब्सक्राइबर गलती से हो जाते हैं सब्सक्राइब, जितने भी सब्सक्राइबर, देखिए हैप्पी यात्रा पे 3 लाख प्लस सब्सक्राइबर है, तो 3 लाख के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। 3 लाख के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा ना तो वीडियो हमारा उड़ जाएगा, लेकिन जाता नहीं है। तो सब्सक्राइबर से भी कुछ नहीं होता है। आज आप नया यूट्यूब बनाइए, अच्छा कंटेंट डालिए, आपका पहला ही वीडियो वायरल हो सकता है। ऐसा बहुत लोगों का हुआ है, बहुत लोग वीडियो बनाते, अच्छा वीडियो बनाएंगे तो पॉपुलर जल्दी होगा। देखिए एक चीज आपको बता दे, बहुत मार्के वाली बात है, वायरल सब लोग होना चाहते हैं। वायरल है क्या, वायरल एक बुखार है, बस आया खत्म, आएगा तो खत्म हो जाएगा, फेमस हो। बुखार चढ़ेगा तो उतरेगा ना भाई, नहीं उतरेगा तो मन नहीं जाएगा इंसान। तो ही चीज होता है, इनका वीडियो कोई वायरल हो गया, इनका वीडियो कोई वायरल हो गया तो कई दिन खर्च वायरल होगा। वायरल मत करिए अपने आप को, अपने आप को प्रेजेंट करिए, अपना नाम बनाइए, अपना फेस वैल्यू बनाइए। बहुत लोग आए देखिए वायरल हुए, जैसे एक एक गाना गाए, कौन तेरी मेरी एक गाना था वो भी खत्म हो गई, और बचपन का प्यार वो भी खत्म हो गया, कच्चा बादाम था वो भी खत्म हो गया, कच्चा बादाम को तो खा लिए। और उधर जो अभी एक लड़का जो है डांस वीडियो में बहुत ही अच्छा चल रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। देखिए वायरल जो होता है ना तो खत्म होना 100%, इसका नाम इसीलिए रखा गया वायरल। आप कभी भी मत वायरल होने की कोशिश करिए, यूट्यूब पे कभी भी मत वायरल होने की कोशिश करिए, हमेशा फेमस होइए, अच्छे कंटेंट के साथ फेमस होइए, ताकि सीना उठा करे कहीं भी चलिए तो लोग देखे, अरे फलाने ज्यादा डरी, फलाने ज्यादा डरे वीडियो बना बहुत अच्छा बनाते हैं। सबूत भी है, अभी आप जय फिल्म खलीलाबाद वाले चैनल पे चले जाइए, उस पर एक हिंदी स्टोरी पड़ी हुई, जितना उस पर कमेंट आया ना सब पॉजिटिव आया है, कोई एक कमेंट निगेटिव नहीं आया, और वो पढ़ करके ना सिनेमा पूरा चौड़ा हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है, दिल से बता रहे कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा काम करिए, उसके बाद देखिए, अब वीडियो आपका 1 मिलियन चला गया, 1000 कमेंट आ गए, 1000 में लोग गाली दे रहे, क्या मतलब है भाभी, थोड़ा सा आप ध्यान देंगी ना तो सब कुछ सही हो जाएगा, जल्दी सही हो जाएगा। और नाम नहीं लेंगे और सबका, तो सब पता ही है अपना टीम क्या है। और रहा सवाल जैसे विष्णु हो गए, ये हो गए, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे आप आगे बढ़ाए हैं विष्णु को, मालती को आप आगे बढ़ा, हम नहीं बढ़ाए हैं आगे, सब लोग अपने मेहनत से आगे, मेहनत की है, सब के सब मेहनत से आगे, कोई ये नहीं कह सकता हम किसी को आगे बढ़ाए, हम क्या आगे बढ़ाएंगे, होते हैं ना, हम क्या आगे बढ़ाएंगे, हम तो खुद सबके सहारे चलते हैं, बस हम तो डायरेक्शन देते हैं कि भैया ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, जो हमको अच्छा लगता। आज भी हम समझा रहे हैं और हमेशा समझाते हैं सबको कि इस तरह से नहीं, इस तरह से करिए, बस यही हमारा काम होता है, मेहनत आपको करना होता है, जो मेहनत करता है वो आगे निकल जाता है। ध्यान रखिए वीडियो कहीं पर झगड़े को खत्म करके कुछ काम अच्छा किया जाए, और झगड़े के चक्कर में कुछ नहीं हो पा रहा है, सब यही देखने पे लगे हुए हैं। एक दिन में 1 लाख व्यूज, 1.5 लाख व्यूज, 2 लाख व्यूज, गाना कौन देख रहा है, स्टोरी कौन देख रहा है, कोई इतना नहीं। मेहनत करके हम लोग गाना बनाते हैं, ये गाना बनाने में कितना मेहनत लगता है, राइटर सोचेगा, उस गाने को लिखेगा, फिर उसके हिसाब से म्यूजिक कंपोज होगी, फिर म्यूजिक कंप्लीट होने के बाद सिंगर गाना गाएगा, फिर उसका मिक्सिंग मास्टरिंग होगा, फिर जाकर के शूटिंग करेंगे, शूटिंग वाला वीडियो एडिट होगा, फिर अपलोड किया जाएगा, पोस्टर बनेगा, टाइटल टैग प्लान डेकान करने के बाद ही वीडियो पब्लिश किया जाता है। और रिस्पांस क्या मिलता है, शाम तक 2000-3000, इतना मेहनत करते हैं, लेकिन कभी हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, और आगे भी करते रहेंगे, और ऐसे आप लोग जीरा जराएंगे तो रखेंगे चाटो भाई।
खियाएंगे, दूध बेचेंगे और सब लोग मिल करके उसी में पनीर फाड़ेंगे और क्या किया जाएगा। अच्छा यही है, सब लोग मिलके रहिए और इंडिया लेवल का सोचिए, अच्छे लेवल काम करिए, इंडिया लेवल पे जाएंगे अपने तो ही अपने ही खलीलाबाद और गोरखपुर में इतने बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, सब लोग मिल करके काम करें ना तो आग लग जाएगा। सही सही, यूट्यूब पे आग लग जाएगा, बड़े बड़े यूट्यूबर देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, गरीब लोग मिल के काम करते हैं, कितना मजा आता है। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, फिर इसे मिलते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे, आप लोगों को समझाते रहेंगे, कोशिश हमारी जारी रहेगी जब तक कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होता। जल्द से जल्द बंद करने की कोशिश करेंगे, हाथ जोड़ करके सभी से निवेदन है, हमारी बात किसी को गलत लगी होगी, बुरी लगी होगी तो क्षमा चाहते हैं, दिल से माफ करिएगा। हम लोग कहते नहीं है, बस समझाते हैं, बाकी इस झगड़े को प्लीज आप लोग बंद करिए, बंद करिए इस झगड़े को। चलिए दोस्तों बाय बाय बाय, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी यात्रा।